तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे, आसन से बार बार आग्रह करने के बाद भी माइक स्टार्ट नहीं किया गया, जब माइक अध्यक्ष के आदेश से प्रारंभ हुआ और जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को तो पहले आसन से बार बार आग्रह करने के बाद भी माइक स्टार्ट नहीं किया गया, जब माइक अध्यक्ष के आदेश से प्रारंभ हुआ और जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। आज सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या अपहरण लूट बलात्कार चरम पर पहुंचा है, कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे तब सदन चलेगा। आप गुंडा राज को जनता राज बता करके बिहार में शासन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ लाठी चल रही है विद्यार्थी पर, शिक्षक अभ्यर्थी पर, दूसरे तरफ सदन में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों की आवाज को दबा रहे हैं। ये खेल बंद करिए। बिहार के अंदर जंगल राज को गुंडा राज में आप तब्दील कर दिए। भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर मुख्यमंत्री जी आपकी शालीनता समाप्त हो गई। गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पेशेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। आज पासी समाज के लोगों पर जिस तरह से जेल भेजा जा रहा है, एक दर्जन से अधिक हर जिले के अंदर अपराधियों का एक नया गैंग शराब के कारण खड़ा हुआ है। अपने अहंकार के कारण आप बिहार को रसातल में नहीं भेजिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नशाबंदी की मांग की है और नशाबंदी के पक्ष में है, लेकिन नशाबंदी के नाम पर आप गरीबों का दोहन शोषण बंद करिए। आपका तंत्र फेल है, आपकी नीति सफल नहीं होगी कि नीयत में खोट है। इसलिए मुख्यमंत्री जी पहले बहस कराइए कानून व्यवस्था पर, और आप जिस तरह से धमकी दिए हैं और जिस तरह का भाषा का उपयोग किया उसके लिए माफ़ी मांगिए, नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।